अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और हम लाए हैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनका रिजल्ट जो है एफएससी का वो आ चुका है और वो चाहते हैं कि वो एडमिशन सिक्योर करें। तो अगर हम बात करते हैं इन स्टूडेंट्स की, तो हम इस वीडियो में लाए हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस। जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में मैंने फ्रॉम 700 to 900 के जो रेंज के स्टूडेंट्स थे उनके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड की थी कि उनके लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं गाइड करूंगा तमाम स्टूडेंट्स को कि जिनके मार्क्स फ्रॉम 900 to onward 1000 और उससे भी प्लस मार्क्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो उन स्टूडेंट्स की कि जिनके मार्क्स फ्रॉम 900 टू 950 के दरमियान हैं, इनके लिए फिर जाहिर सी बात है इनके मार्क्स की रेंज थोड़ी बढ़ चुकी है, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो अगर हम इन स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो इनके लिए जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, तो उसमें फिज़िक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो है इनका एडमिशन पॉसिबल है। इनके मार्क्स अगर 900 टू 950 होंगे और मैट्रिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो फिज़िक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के और बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर ये अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। मैं इस वक्त CS IT और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है पंजाब यूनिवर्सिटी की उसकी बात मैं करता चलूँ, आपने देखा होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक सेपरेटली तौर पर BScS का, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और BS IT का जो है एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया था। तो तमाम वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने वो टेस्ट दिया हुआ है और जिनके मार्क्स जो हैं वो इतनी रेंज में हैं कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं अगर 50 में से वो 40 तक आ चुके हैं या इवन 35 तक आ चुके हैं, तो अगर जो इनके मार्क्स फ्रॉम 900 टू 950 हैं तो ये आसानी से अपना जो है एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर IT में, CS के अंदर और इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। और अगर हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की, तो उसमें हमारे पास UAS है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से जो है डिपार्टमेंट्स और कौन सी डिग्रीज अवेलेबल हैं तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स फ्रॉम 900 टू 950 हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें इवनिंग के अंदर जो है इनके एडमिशन पॉसिबल हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर मॉर्निंग में ये एडमिशन ले सकते हैं UAS के अंदर। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी है कि जिसमें इनका एडमिशन इवनिंग के अंदर पॉसिबल होगा कि ये हो जाएगा तमाम वो स्टूडेंट्स के जिनके मार्क्स 900 टू 950 के दरमियान हैं। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की, तो वो है लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। इसमें अगर हम बात करते हैं वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं कि जिनके अंदर आप 900 टू 950 के साथ अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं, इसमें बायोटेक्नोलॉजी है और जूलॉजी है। इनके अंदर आप एडमिशन को अपने सिक्योर कर सकते हैं बाय टेकिंग मार्क्स फ्रॉम 900 टू 950, ठीक है। इसकी रेंज में अगर आपके आएंगे मार्क्स, ठीक है, तो आप आसानी से इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की, तो इसमें हमारे पास मैथ्स डिपार्टमेंट ऐसा है, फिजिक्स ऐसा है और इकोनॉमिक्स ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिनके अंदर आप इस रेंज के अंदर मौजूद अगर जो मार्क्स कंटेनिंग स्टूडेंट्स हैं तो वो आसानी तौर पर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बात भी क्लियर करता चलूँ कि अगर आपके मार्क्स 900 टू 950 के दरमियान है, अगर आपका जो मैट्रिक है वो बहुत स्ट्रांग है, तो फिर इसके साथ साथ आप यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर भी, बॉटनी डिपार्टमेंट के अंदर भी, जूलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर भी, फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी, इसके अलावा आप IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी जो है, कंप्यूटर साइंस के अंदर भी जो है, इसके अलावा मैथ्स के अंदर भी आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स जो है 900 टू 950 के दरमियान हैं। उसमें हमारे पास जो है वो फ्रॉम 950 टू प्लस की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो वो DVM है, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम ये बात जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस जो है यानी UAS जो है वो ये डिग्री ऑफर कर रहा है और ये पब्लिक सेक्टर जो है वो यूनिवर्सिटी है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो DVM जो है उसको ऑफर करने वाले इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, UAS जो लाहौर कैंपस है, जंग कैंपस है और नारोवाल कैंपस है। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स फ्रॉम 950 टू प्लस, हमारे पास जितने भी यानी 1000 से प्लस मार्क्स कंटेनिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने एंट्री टेस्ट दिया हुआ है यानी MD कैट का टेस्ट दिया हुआ है, तो फिर वो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं DVM के अंदर। इसके अलावा यही UAS यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है और बायोटेक्नोलॉजी, वो तमाम के तमाम फील्ड्स हैं कि जिनके अंदर जो 950 प्लस मार्क्स कंटेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का भी एक नाम आता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमारे पास मैथ्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिनमें जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स फ्रॉम 950 टू प्लस मार्क्स हैं, ऑनवर्ड मार्क्स हैं, वो ये एडमिशन सिक्योर इस डिपार्टमेंट्स में कर सकते हैं। PU की अगर हम बात करते हैं तो PU के तमाम के तमाम जो है डिपार्टमेंट्स ओपन हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनके मार्क्स 950 टू ऑनवर्ड हैं। इसमें बॉटनी हो गई है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, इसके अलावा हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स में
एक्सेस है क्योंकि इनके मार्क्स इतने ज़्यादा हैं कि ये आसानी से एडमिशन सिक्योर जो है वो कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है और जोलॉजी, ये तमाम वो डिपार्टमेंट्स हैं कि जिनके अंदर 950 से प्लस मार्क्स कंटेनिंग एडमिशन्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इन स्टूडेंट्स की कि जिनके मार्क्स इस रेंज के अंदर आते हैं 950 ऑनवर्ड आते हैं, तो ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं कि जिनको हम ब्राइट स्टूडेंट्स में कंसीडर करते हैं। इनके वैसे भी एडमिशन अगर इन्होंने एंटी टेस्ट दिया हुआ है तो इनके एंटी टेस्ट की बेस पर इनके एडमिशन्स रिस्पेक्टेड इंजीनियरिंग फैकल्टीज में और इसके साथ साथ MBBS या मेडिकल की और फील्ड्स के अंदर इनके एडमिशन्स पॉसिबल हैं। लेकिन हम ये चाहते थे कि तमाम स्टूडेंट्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करें कि MBBS और इंजीनियरिंग और BDS के अलावा भी कौन कौन सी ऑप्शंस हैं कि जिनमें इन रेंज के मार्क्स कंटेनिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि तमाम के तमाम इस वीडियो के थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन ले चुके होंगे जो इनको रिक्वायर हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए और बासानी तौर पर अब ये एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे और अपने जो है फ्यूचर को बेहतर बना सकेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स के लिए और अल्लाह हाफिज़।